याकूब अब्दुल रजाक मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2015 में जब याकूब मेमन की जो मर्सी पिटीशन थी वो रिजेक्ट हो गई, तो उसकी फांसी निश्चित हो गई थी। उसे फांसी दी जानी थी और उससे एक रात पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाती है और ये कहा जाता है कि अगर ये नहीं सुनी गई तो एक तरह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा। उसके बाद एक अनप्रेसिडेंटेड मूव होता है और सुप्रीम कोर्ट देर रात यानी कि 2:30 बजे खुलता है और उसके बाद उस मामले की सुनवाई होती है। और सुनवाई होने के बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच उसी समय ये कह देती है कि जो एग्जीक्यूशन है, डेथ पेनल्टी जो है, डेथ वारंट जो दिया गया है, वो इनएविटेबल है और इसको अब और आगे प्रोटेक्ट या आगे इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। तो उसमें फिर अब्दुल रजाक की जो फांसी है उस पिटीशन के बावजूद और रात को खुलने के बाद जो कोर्ट की कार्रवाई के बावजूद वो ना आगे हो सकी ना वो रुक सकी, क्योंकि कोर्ट ने माना कि मर्सी पिटीशन जो है उसकी रिजेक्ट हो चुकी है और जितने भी जो लीगल ऑप्शन थे वो अवेल किए जा चुके हैं। अब उस मामले में कुछ बचता नहीं है।